जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं कार्तिक पूर्णिमा तिथि, जो कि 8 नवंबर 2022 दिन मंगलवार को चंद्र ग्रहण लग रहा है, तो जानते हैं चंद्र ग्रहण सूतक काल के बारे में और कहां कहां चंद्र ग्रहण लग रहा है और सूतक काल का क्या समय होगा। तो आइए जानते हैं इन सब के बारे में। चंद्र ग्रहण इस बार जो कि कार्तिक मास शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि स्नान दान की पूर्णिमा है और इस दिन चंद्र ग्रहण लग रहा है, जो कि खग्रास चंद्र ग्रहण भारत में ग्रस्तोदित चंद्र ग्रहण के रूप में दृश्य होगा। यह ग्रहण जो कि उत्तरी तथा दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर में दिखाई देगा। ग्रहण का प्रारंभ जो कि चंद्रास्त के समय अर्जेंटीना के पश्चिमी भाग, चिली, बोलिविया, ब्राजील के पश्चिमी भाग, उत्तरी अटलांटिक महासागर में दिखाई देगा और ग्रहण का मोक्ष जो कि चंद्रोदय के समय हिंद महासागर, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और पूर्वी रूस में दिखाई देगा। चंद्रोदय के समय भारत के सभी स्थानों में यह ग्रहण दिखाई देगा। खंड और खग्रास ग्रहण का प्रारंभ भारत के किसी स्थान से दिखाई नहीं देगा, क्योंकि चंद्रोदय होने से पूर्व ग्रहण प्रारंभ हो जाएगा। खंड और खग्रास चंद्र ग्रहण का मोक्ष भारत के पूर्वी भागों में दिखाई देगा। देश के बाकी हिस्सों में खंड चंद्र ग्रहण का मोक्ष ही दिखाई देगा। भारतीय मानस समय के अनुसार ग्रहण का प्रारंभ जो कि दिन में 2:39 यानी कि दोपहर के समय में प्रारंभ है और इसका मध्य जो कि दिन में 4:29 पे और मध्य जो कि शाम 4:29 पर तथा इसका मोक्ष जो कि शाम 6:19 पर होगा। भारत के प्रमुख स्थानों पर चंद्रोदय का जो समय है वह समय इस प्रकार है, जो कि इलाहाबाद में शाम 5:15, अमृतसर में शाम 5:33, बेंगलोर में शाम 5:50, भागलपुर में शाम 4:54, भोपाल में शाम 5:36, भुवनेश्वर में शाम 5:06, चंडीगढ़ में शाम 5:23, दिल्ली में शाम 5:29, गया में शाम 5:03, हरिद्वार में शाम 5:29, हजारीबाग में शाम 5:02, कोलकाता में शाम 4:52 पे, लखनऊ में शाम 5:53 पे, मुंबई में जो कि शाम 6:09 पे, मुजफ्फरपुर शाम 4:59 पे, नासिक में शाम 5:56 पे, पटना में शाम 5:09 पे, पुणे में शाम 5:58 पे, पुरी में शाम 5:07 पे, श्रीनगर में शाम 5:29 पे, उदयपुर में शाम 5:49 पे, उज्जैन में शाम 5:43 पे, तमिलांग में जो कि शाम 4:25, अगरतला में शाम 4:38 पे, अहमदाबाद में शाम 5:56 पे। इस प्रकार से सभी जगह चंद्रोदय है और चंद्रोदय के समय में यह भारत में दृश्य होगा। और जब भी चंद्र ग्रहण लगता है तो चंद्र ग्रहण का सूतक काल जो कि 9 घंटे पहले ही चंद्र ग्रहण का सूतक काल लग जाता है, तो इसमें जो बताया गया समय है जो कि चंद्रोदय समय, तो इससे 9 घंटे पूर्व ही जो कि पहले ही सूतक काल आरंभ हो जाएगा। तो जब भी चंद्र ग्रहण का सूतक काल लगता है तो इस दौरान कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। जितने भी आपके खाद्य पदार्थ है उसमें उषा नामक घास डाल देनी चाहिए या तुलसी पत्र डाल देनी चाहिए, इससे ग्रहण का प्रभाव नहीं पड़ता है। और जो भी गर्भवती महिलाएं हैं उन्हें अपने पास बिल्कुल भी धारदार वस्तुएं आप ना रखें, सुई, कैंची, चाकू आदि बिल्कुल भी पास में नहीं रखनी चाहिए। इस समय ग्रहण के दौरान जो कि मन ही मन जप करना चाहिए, गंगा स्नान आदि का कार्य करना चाहिए। और कार्तिक पूर्णिमा तिथि का दिन है तो कार्तिक पूर्णिमा तिथि का दिन वैसे भी गंगा स्नान के लिए पुण्य फलदायी होता है। कार्तिक पूर्णिमा तिथि के दिन गंगा स्नान करना चाहिए और ग्रहण के दौरान जो कि जब भी सूतक काल आरंभ हो जाता है तो इस दौरान जो कि मंदिरों के पट बंद रहते हैं और ग्रहण समाप्त होने के बाद ही सभी मंदिरों के पट खोले जाएंगे। सूतक काल के दौरान भगवान के मूर्ति आदि को स्पर्श बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान आदि का कार्य करके
उसके बाद भगवान को स्नान करा करके उनका पूजन आदि का कार्य करना चाहिए, भोग लगाना चाहिए। और ग्रहण लगने का मुख्य समय जो कि दोपहर 2:31 से ग्रहण आरंभ है, दोपहर 2:31 से जो कि शाम 6:19 तक ग्रहण का समय होगा। ग्रहण जब से प्रारंभ है उससे 9 घंटे पहले सूतक काल आरंभ हो जाता है। इस कारण से सवेरे 5:31 से ही ग्रहण का सूतक काल लग जाएगा। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार चंद्र ग्रहण में ग्रहण से पूर्व जो कि 9 घंटे पहले और सूर्य ग्रहण में जो कि 12 घंटा पहले ग्रहण का सूतक लग जाता है। इसमें बालक, वृद्ध और रोगी को छोड़कर अन्य लोगों के लिए भोजन निषिद्ध माना गया है। ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान करना चाहिए और ग्रहण का दान आदि का कार्य करना चाहिए। इससे लाभ की प्राप्ति होती है, पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो आशा करता हूँ कि जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही जानकारी या प्राप्ति के लिए चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।